नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। जीत के बाद जयकुमार जेकी का जहानाबाद विधानसभा के प्रथम आगमन में जोरदार हुआ स्वागत। अमोली फतेहपुर। जहानाबाद विधानसभा के अमोली कस्बे में बंद की विधायक जयकुमार सिंह जेकी जीत के बाद आज प्रथम दिन आगमन के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के द्वारा जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी के उपलक्ष्य में मंच के माध्यम से सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम करते हुए बंदकी विधायक जयकुमार जेकी ने मंच के माध्यम से जनता जनार्दन को अपनी कड़ियों को गिराते हुए बताया कि मैं आप लोगों के बीच आभार प्रकट करने आया हूं कि आप सभी लोगों ने पूर्व काल में मेरी बहुत ही सहयोग दिया था, जिसका मैं सदा आप लोगों का आभारी रहूंगा। मुझसे जितना अधिक से अधिक विकास कार्य होने की कोशिश हुई, मैंने उतना ज़्यादा से ज़्यादा कराया और मैं आप लोगों को भरोसा जताता हूँ कि मेरी इस विधान सभा में न रहने पर आप लोगों को कमी एहसास नहीं होने दूंगा। जहानाबाद विधानसभा के विधायक राजेंद्र पटेल जी के साथ मिलकर आपके क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करने की कोशिश करूंगा और पिछले कार्यकाल में कराए गए कार्यों को, अधूरे पड़े कार्यों को राजेंद्र पटेल जी के साथ इस बार पूर्ण करने का भी निर्णय लिया। मंच के माध्यम से एक बात का अवगत कराते हुए कहा है कि जब कोई अच्छा नेता अपने क्षेत्र से खो देता है तब उनकी कमी महसूस होती है। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे उमेश द्विवेदी सहित अमोली ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह, मूलचंद सैनी, राम भक्त वर्मा, विमलेश द्विवेदी, वंशलाल वर्मा, डॉक्टर पुष्कर कटियार, संतोष गुप्ता, कैलाश वर्मा, प्रमोद शुक्ल, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ। इससे कम नहीं लगेगा, इतने काम मैंने विधानसभा में किया है। मैं आपके बीच में वो काम करने का प्रयास किया है, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैंने इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए भी काम किए हैं। आपको महसूस होगा, घर में जब बुजुर्ग आदमी होता है तो लोग उसे उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता है तो उसका महत्व उसे समझ में आता है। मेरे काम करने का तरीका मैंने हमेशा उन चीजों को जरूर किया है। समाज पर जो अराजकता फैलाने वाले लोग होंगे, समाज जिसे पसंद नहीं करता होगा, मैंने मुख्यमंत्री योगी जी जिस विचारधारा को चाहते थे हमने उसको जाना। मैंने खेल के मैदान बनाए हैं, उन्हें संरक्षित करके मैं लगातार आज भी कह रहा हूं, मैंने भाई राजेंद्र पटेल जी है, मैं लगातार उनसे संपर्क करके कोशिश यही करूंगा कि जो भी योजनाएं अधूरी हैं आपके बीच की उसे पूरी करी जाए। मैं आज भी अमौली के मंच से कहता हूं जो मैंने उस समय भी कहा था, अंतिम वर्ष में कहा था कि बम्बे का पानी आएगा, अमौली सिजौली और बिजौली का बम्बे का पानी आएगा। फिर भी मैंने कहा था, उस समय कहा था कि एक वर्ष का समय लगेगा, मैं एमएलए इस विधानसभा से भले न हो लेकिन रात दिन बम्बे के पानी के लिए आज भी प्रयासरत हो कि बम्बे का पानी आना चाहिए। ये किसानों की समस्या है, एमएलए में भले बगल की विधानसभा से हो वो अलग बात हो सकती है, वो होना चाहिए था। मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह का भी उपयोग होना चाहिए, अगर ये जगह खाली हुई है तो इसमें भी निर्माण होना चाहिए जो अमौली की जन सुविधाओं के लिए प्रभावी हो। इस तरह के कामों को करने का प्रयास करूंगा, कोशिश मेरी लगातार है। मैं आपके बीच में विधानसभा का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, विधानसभा में चौमुखी विकास के लिए आवागमन अत्यंत जरूरी है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि आपको ध्यान आएगा कि मेरे काम करने का तरीका मेरे न रहने के बाद आपको याद आएगा कि हमारा एमएलए था, हमारे बीच का था, अपना था, परिवार की तरह था, तो मैंने वो काम किया है। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से थोड़ा बताऊंगा। आपको ध्यान होगा ये 2012 में विधान